सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स पे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स जो है इस चैनल का वो अब फाइनल नेम है। इसके बाद इस नेम से किसी को भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ये न्यूट्रल नेम है। ठीक है, इस पे किसी भी प्रकार का क्रैकर वर्ड नहीं लिख रहा। जैसे क्रैकर वर्ड से कईयों को प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि क्रैकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्यूट बॉय से किसी को प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब पावर सिस्टम ऐसा वर्ड है जो कि एक न्यूट्रल है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ही इस चैनल का नाम रहेगा और इस नाम से ही ये चैनल बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अच्छा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज का जो सबसे मेन टॉपिक हम डील करने वाले हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, कई कई जगह बरगलाया भी जा रहा है आपको इसके लिए कि जो यूपीपीसीएल के अवर अभियंता विद्युत का सिलेबस है, ठीक है, जो यूपीपीसीएल में हर साल अवर अभियंता विद्युत की वैकेंसी आती है, उसमें जो सिलेबस है उसका एग्जैक्ट सिलेबस, ठीक है, वो क्या रहेगा। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट सिलेबस उसका है, देखिए बाकी सारे चैनल पे आपको क्या बरगलाया जा रहा है कि 40 बोला जा रहा है कि 40 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब वो 40 सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आते इसके अंदर। जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं उससे एक भी सब्जेक्ट बाहर नहीं होता। ठीक है, अब पहले तो इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि वो जो दूसरे YouTube चैनल वाले बता रहे हैं कि 40 सब्जेक्ट आते हैं वो ऐसा क्यों बता रहे हैं और ऐसा क्यों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीपीसीएल के अवर अभियंता विद्युत का जो सिलेबस होता है। ठीक है, अच्छा विद्युत यानी का विद्युत जो शब्द होता है वो यूज होता है हिंदी में इलेक्ट्रिकल के लिए, वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए होती है। अच्छा, इसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स ये सारे के सारे लिखे हुए ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें और बाकी जितने इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्स होते हैं उसमें फर्क क्या होता है? बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्स होते हैं ना हमारे, जैसे पावर ग्रिड का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, बीएचईएल का हो गया, या कहें और किसके बात करें, या फिर एनएचपीसी का हो गया, उनके अंदर जितना भी सिलेबस होता है सारा का सारा कॉम्पैक्ट सिलेबस होता है। इसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, ये मॉडर्न टॉपिक्स को भी डालता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ठीक है, अच्छा चलो सबसे पहले अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें टेक्निकल सिलेबस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें सबसे मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो टोटल हमारे पास होते हैं, कोर एरिया अगर हम बताएं वो हमारे पास होते हैं ये टोटल 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, टोटल 6 सब्जेक्ट्स जो ऊपर से लेके नीचे तक ये छठवें नंबर तक लिखे हुए हैं, ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल डोमेन के। ठीक है, ये क्या हो गया, कोर एरिया हो गया, ये कोर एरिया हो गया किसी भी इलेक्ट्रिकल डोमेन का, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, जो हर बच्चा पढ़ता है। ठीक है, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया। पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों से डील करता है यूपीपीसीएल। ठीक है, तो पावर सिस्टम में आपको जनरेशन भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ट्रांसमिशन भी अच्छे से पढ़ के जाना है और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स भी यूपीपीसीएल पूछा करता है। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहां तक लगभग हर जो इलेक्ट्रिकल का एग्जाम होता है उसमें पूछा ही जाता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन यूपीपीसीएल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को भी कैरी करता है जो इसके सिलेबस को डिफरेंट बनाता है। कौन सा? यहां से लेके और यहां तक का पार्ट। ठीक है, ये यूपीपीसीएल के अवर अभियंता विद्युत के एग्जाम को पूरा का पूरा डिफरेंट बना देता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट इसको सारे एग्जाम से डिफरेंट बना देता है। अच्छा चलो, हमने यहां पे डिफरेंस को क्रिएट कर दिया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर एग्जाम में आपको मिलेगा। अब एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़ना पड़ता है आपको इसके लिए? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, इसमें आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद पीएलसी और स्काडा पढ़ना पड़ेगा। पीएलसी को बोलते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और स्काडा को बोलते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, पीएलसी और स्काडा ये ऑटोमेशन के टॉपिक्स हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आजकल ऑटोमेशन के टॉपिक्स क्यों ऐड करे जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो हो रही है ना वो ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है,
आप कोई भी ट्रांसमिशन का सबस्टेशन उठा के देखना, उसमें ना पूरा पीएलसी स्काडा ओरिएंटेड सबस्टेशन होते हैं आजकल। चाहे वो आप 400 केवी का कोई सबस्टेशन उठा लो, 220 केवी का उठा लो, 132 केवी का सबस्टेशन उठा लो, सब में आपको पीएलसी की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए ये एग्जाम्स में भी दे रहे हैं। उसके बाद मैटलैब, ठीक है, उसके बाद ऑटोकैड, ठीक है, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके डरने की बात नहीं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन यूपीपीसीएल के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप कवर नहीं कर सकते। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जनरली बहुत कम एग्जाम्स में पूछा जाता है। कोई सा भी अभी एनएचपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी कोई कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यूपीपीसीएल में कंट्रोल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यूपीआरवी यूएनएल में भी। तो आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, IMREM यानी कि इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस रिपेयर, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। उसके बाद होता है IMED, IMED का मतलब होता है, ये होता है हमारे पास मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, काफी बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं उनसे बाहर बिल्कुल भी आपका यूपीपीसीएल का एग्जाम नहीं आएगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, कई सारे जो चैनल्स हैं जैसे समुंदर एकेडमी हो गया, ठीक है, मोटा चश्मा वाला हो गया, ठीक है, बेटा बेटा वाला हो गया, ठीक है, ये जितने भी चैनल हैं ये 40 सब्जेक्ट्स बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 40 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इसमें, बिल्कुल गलत। वो व्यूज बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ ये 40 सब्जेक्ट कैसे बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करें ना, तो इलेक्ट्रिकल मशीन एज अ होल एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये क्या कर देते हैं, इसी का दो बना देंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 और इलेक्ट्रिकल मशीन 2 को बोर्ड पे लिख के, तो बढ़ गए सब्जेक्ट्स। उसके बाद पावर सिस्टम, पावर सिस्टम मैंने अपने ग्रिड वाली कल जो एक वीडियो थी उसमें भी बताया था कि पावर सिस्टम ना जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को मिला के बनता है। ठीक है, समुंदर एकेडमी वाला क्या लिखेगा, जनरेशन को यहां लिख देगा अलग से, फिर लिख देगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन केबल, बढ़ा दिए उसने सब्जेक्ट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एज अ होल एक सब्जेक्ट है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ होल एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा एक सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखना और भूल गया, उसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। अच्छा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो हमारे सब्जेक्ट है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें ना सिंबल्स को पूछा जाता है। इसमें सिंबल्स ऐड कर लेना, इसमें सिंबल्स पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में। अच्छा तो कई जो चैनल्स है ना वो क्या करते हैं, एक नया नाम का उन्होंने सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है जिसका नाम है स्विच गियर ड्राइंग। स्विच गियर ड्राइंग नया सब्जेक्ट नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ, वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का एक पार्ट होता है। पावर सिस्टम में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्विच गियर वाला, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का ही पार्ट होता है स्विच गियर ड्राइंग। स्विच गियर ड्राइंग कोई अलग ड्राइंग नहीं है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को अलग से बढ़ा के लिख रहे हैं, जबकि स्विच गियर ड्राइंग कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप ना अपनी सेमेस्टर की कोई भी बुक उठाना, इलेक्ट्रिकल पावर की बुक उठाना, उसमें स्विच गियर नाम का सब्जेक्ट होता है। स्विच गियर नाम के सब्जेक्ट में सबसे लास्ट में ना 33/11 केवी, ठीक है, 11-440 वोल्ट एच टाइप पोल माउंटेड सबस्टेशन, ठीक है, 132 केवी सबस्टेशन, 220 केवी सबस्टेशन के ना सिंगल लाइन डायग्राम बने होंगे। तो वो जो सिंगल लाइन डायग्राम होते हैं ना वो स्विच गियर ड्राइंग के अंदर आते हैं, तो वो कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, वो स्विच गियर्स के ही अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, बस बाकी चैनल वाले क्या करते हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए ज्यादा सब्जेक्ट डाल बता देंगे आपको और आपको टेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। अच्छा इसका सब्जेक्ट इतना सारा वास्ट है तो आप सोच रहे होंगे क्या इसकी तैयारी करना इजी है। देखिए इजी तो नहीं है, लेकिन इसको ना कवर किया जा सकता है। मैंने ये देखा है, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक बेसिक पढ़ के जाते हैं ना तो ये एग्जाम आराम से निकल सकता है, क्योंकि एग्जाम जो होता है ना बेसिक्स के दरमियान ही रहता है। ठीक है, रहता सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पूछता है, लेकिन बेसिक्स के ही दरमियान रहता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस एग्जाम की सबसे बड़ी सलाहियत यही है कि ये बेसिक्स के दरमियान ही रहता है, हालांकि पूछता बहुत ज्यादा है सब्जेक्ट्स को। ठीक है, लेकिन बेसिक्स के ही इर्द गिर्द पूछता है। ठीक है, अच्छा तो
एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो एग्जाम होता है ना यूपीपीसीएल वाला, इसमें हर सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल रहता है, ठीक है। ये ना सोच के जाइए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन मशीन से पूछेगा या पावर सिस्टम से पूछेगा, बिल्कुल गलत है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स का जो वेटेज रहता है आपका बिल्कुल सेम रहता है। तो जब भी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, आपने हर सब्जेक्ट को इक्वल वे में स्टडी करके चलना है, ठीक है, इक्वल वे में स्टडी करके चलना है, ठीक है। अच्छा, एक और स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको रब कर दूं। पूरे YouTube पे सबसे बेस्ट कंटेंट है मेरा, ये बात ध्यान रख ले, लिख लेना। लेकिन क्योंकि अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो कईयों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये है बस चक्कर, इसीलिए वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब मैंने इसी वजह से चैनल का नाम भी बहुत बार बदला, अब ये फिक्स रहेगा पावर सिस्टम वाला, ठीक है। इस पे अब कोई नेगेटिव तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ठीक है, अब देखना। अब इसी के साथ साथ ना मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया, मैं स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करने जा रहा हूं कि स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है। स्ट्रेटेजी जो होती है किसी भी एग्जाम को निकालने की, ठीक है, वो क्या होती है। स्ट्रेटेजी किसी भी एग्जाम को निकालने की बोलते हैं रणनीति। ठीक है, अच्छा, किसी भी एग्जाम को निकालने की जो स्ट्रेटेजी होती है उसे बोलते हैं रणनीति, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटेजी कभी भी ये नहीं होती कि दूसरा जिस तरीके से पढ़ रहा है वैसे आप पढ़ें। स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यूपीपीसीएल का एग्जाम निकालना है, तो सबको पता है यूपीपीसीएल में उल्टे पुल्टे सब्जेक्ट आते हैं। तो जो लड़का मान लो एक लड़का है ए, दूसरा लड़का है बी, ठीक है, ये सिर्फ CORE कोर पढ़ता है और ये ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ता है, ये कम पढ़ता है और ये ज्यादा पढ़ता है, लेकिन सेलेक्ट कौन होएगा यूपीपीसीएल में, ये कम पढ़ के भी, क्यों, इसने सारा सब्जेक्ट्स कवर किया और ये सिर्फ कोर ही पढ़ता गया, ये निकाल देगा SSC JEE, ठीक है, NHPC भी निकाल देगा, ठीक है, ये PGCIL भी निकाल देगा, ठीक है। लेकिन ये लड़का UPPCL नहीं निकाल सकता। इस पे आ जाते हैं, ये बाकी सारे तो निकाल ही देगा, ये बाकी सारे भी निकाल देगा प्लस में, ये बाकी सारे एग्जाम्स में निकाल देगा प्लस यूपीपीसीएल भी निकाल देगा, क्यों, इसने ऑल सब्जेक्ट्स को कवर किया, ये होती है स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कवर करने से भी बात नहीं बनती, एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कंसिडर इन एन एग्जामिनेशन, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन एग्जामिनेशन। चलो यूपीपीसीएल के पैटर्न पे बात कर लेते हैं। 150 नंबर हमारे टेक्निकल हैं, 50 क्या हैं, नॉन टेक हैं, ठीक है, ये 150 लिखा है मैंने, 150 टेक्निकल, 50 है नॉन टेक, टाइम कितना होता है, 3 आवर्स, बहुत टाइम होता है इसको करने के लिए, 3 आवर्स होता है, ठीक है।
लेकिन कभी कभार इसमें क्वेश्चन इतने घुमाए फिराए आते हैं किसी शिफ्ट में कि बच्चों का ये 3 आवर का जो टाइम है ना ये खत्म हो जाता है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना वो होती है कि टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं इन दोनों सेक्शंस को करने के लिए, ठीक है। अच्छा, टाइमिंग यूटिलाइजेशन कब अच्छी बनती है? जब आप नंबर ऑफ एमसीक्यूज बहुत लगाते हैं। ये लिख दिया मैंने इंक्रीज। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हो। ठीक है, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप अगर जितना आप नंबर ऑफ एमसीक्यूज की वैल्यू बढ़ा देते हो। यानी कोई लड़का अगर अपने घर में या कहीं पे भी नंबर ऑफ एमसीक्यूज को ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो ना वो इतना जबरदस्त ट्रेंड हो जाता है माइंड से कि वो देखते ही अंदाजा लगा लेता है कि इसमें क्या कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब स्ट्रेटेजी के अंदर एक बहुत ही बेस्ट चीज भी आती है। क्या आती है स्ट्रेटेजी के अंदर? जो बंदा एग्जाम फियर को कंट्रोल कर लेता है, एग्जाम फियर को कंट्रोल कर लेता है ना, वो ऐसे एग्जाम को निकाल लेता है इतने टफ वाले को। एग्जाम फियर का मतलब क्या होता है? मान लो इस बार जो पेपर होता है अगर 2023 का, वो एक्सट्रीमली टफ बन जाता है। एक कंडीशन लेके चलते हैं, वो एक्सट्रीमली टफ बन जाता है, बहुत एक्सट्रीमली टफ बन जाता है। अगर ये एक्सट्रीमली टफ बन रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, एक्सट्रीमली टफ बन रहा है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, तो एक्सट्रीमली टफ बनने की वजह से क्या होगा, जो इसमें कट ऑफ होएगा वो डाउन चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे देखते ही ये समझेंगे कि एक्सट्रीमली टफ है, मेरा तो होने ही नहीं वाला, इसलिए मैं तो गया काम से। तो ये नहीं कभी आपने सोचना होता। यही चीज होती है एग्जाम फेयर, ठीक है, यानी एग्जाम का डर, ठीक है, कि भैया एग्जाम टफ बन गया और मैं तो गया, ठीक है, तो कट ऑफ क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी ना, ये भी तो सोचो। कई बच्चे स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते हैं, पहले ही क्वेश्चन देखते हुए डर जाते हैं कि पेपर टफ आ गया, अपना तो होना नहीं, तो ये भी तो सोचो ना, वो बगल वाले के लिए भी टफ है। तो एग्जाम अगर टफ होता है 2023 का तो उसका कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। तो आप कम से कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो भी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेस क्वेश्चन आल्सो, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया आज मैंने, सारा स्टेटस भी डिस्कस किया और कैसे आप एग्जाम फेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर एक्सट्रीमली टफ पेपर बना कट ऑफ डाउन चला जाएगा और लेस क्वेश्चन से भी आपकी सिलेक्शन पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो एग्जाम फेयर को कंट्रोल कर लेगा, जो टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है, और जो सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेगा, वो इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकता है, ठीक है, कोई बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स। थैंक यू।